हे गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं पोकेमोन HGSS सेवी आइलैंड। वैसे आप सोच रहे होंगे HGSS की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका मतलब है हर्ट गोल्ड सिल्वर सोल, समझ गए। तो आप सबका फिर से स्वागत है पोकेमोन HGSS सेवी आइलैंड के एक और दमदार एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमें ये माउंट चढ़ना था, वैसे उसने कहा था उस जिम लीडर ने कि हम उससे फाइट करेंगे, फिर वो हमसे फाइट करेगी, फिर हम यहाँ आए कि फिर हमें टीम रॉकेट से मिले और हमने उन्हें रोका भी, और उन सबके पास मेगा एवोल्व पोकेमोन भी है और हमारे पास नहीं है। कमाल है ना, इतनी मुश्किल से हमने उसे हराया और अब फिर हम दोबारा जा रहे हैं, तो हमें ये पहाड़ चढ़ना है। तो पोकेमोन तो आपने देख लो हमारे हिले पूरे पूरे। तो आज वाइब ब्रावो को ट्रेनिंग कराएंगे, ड्रैगन एयर को भी कराएंगे थोड़ी। वाइब ब्रावो तो बिल्कुल कमज़ोर है यार, एवोल्व होने से पहले 3 घंटे अटैक को नहीं आने वाले, दिख रहे हैं। चलो बोल्डर हटाओ, अब थोड़ी HP बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो सही है, एक नंबर कर लेते हैं। चलो भाई आगे चलें, सत्यानाश हो इसका बीच में आ गई, इतने सारा काम खराब करा कर दिया मेरे को लग रहा है। भाई बराबर आ गया तेरी तो ना भाई, ब्लूम आगे तो रहना अपने से, क्योंकि अपने पास तो ग्राउंड टाइप है, चेंज मारना पड़ेगा बोलो। ड्रैगन ने यार, अब देखते हैं कौन सा ये वो ना करेगा स्टन पोर पॉइजन अटैक, बेगर ट्रेन तो ठीक है। चलो नोट वेरी इफेक्टिव, मेरे को तो ये भी इफेक्टिव लगा, 13% ले जाना भी छोटी बात थी वैसे। इसको हराते हैं फटाफट जल्दी, आइसक्रीम एक में तो नहीं जाएगी मेरे हिसाब से, एक में जाने के कितने चांस है, 0%। ओहो ताकत हो रहे हो बहुत ज़्यादा, फिर से आइसक्रीम का अटैक। इसके बाद एक्सट्रीम स्पीड करेंगे वो सही रहेगा, मेगा ड्रेन फिर से वो ठीक है, एनर्जी ड्रेन सही है। तो हम करेंगे फिर से एक्सट्रीम स्पीड सही रहेगा, इसमें मजा आएगा। अरे भाई ओके था, काश मैं दोबारा आइसक्रीम कर देता, गलती होगी भाई। ड्रैगन टेल हम भी करेंगे भाई, ऐसे कैसे हमसे पंगा। ओहो तो कैसा लगा अटैक, इसका अटैक देख वो सनीड कितना मस्त लग रहा है देखने में, अभी चार साढ़ आ गया ना धूम मचा देगा, खेल खत्म। चलो भाई ड्रैगनाइट को मिल गया एक्सपी सही, अगला बैलो समय हम ही हराएंगे ड्रैगनाइट के साथ। भाई ब्रावो को करानी पड़ेगी भाई ट्रेनिंग, ऐसे काम को नहीं होगा, कमज़ोर हो रहा है भाई ब्रावो, ये बोलो बहुत ही ताकतवर होगा तब वो ड्रैगन टाइप अटैक इस्तेमाल कर पाएगा, अभी तो मतलब वो ड्रैगन टाइप अटैक इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। चलो जीत गए ड्रैगनाइट, चलो 35 पहुँच गया, 45 पर एवोल्व हो गया ये तो है ना, कोई बात नहीं ठीक है, तब तक भी काफ़ी है, जीत गया बढ़िया आराम से जीत गया, इतने हमारा पूरा रास्ता रोक दिया, हमें आप पे जाके आना पड़ेगा, काम खराब कर दिया लड़के ने सारा का सारा। पहले वापिस निकलो टावर से, हट गया हो गया अब तक तो, हट जाए तो ज़्यादा अच्छा है यार। चलो सही है, पत्थर भी हट गए फटाफट यार, ये लड़के ने सारा काम खराब करा अपना। चलो चले भाई बराबर, देखने में देख कितना अजीब लग रहा है, कीड़े ऐसा बिल्कुल एक खतरनाक ड्रैगन भी बन जाओ ये, मैं दीपल नहीं लगा रही अब याद आया, 32 वॉट है तो जीतो, ये लड़ेगा मुझसे जरूर लड़ेगा शायद, चलो जान दिए शरीफ है कोई बात नहीं, शाबाश समझदार था बच गया हमसे। रॉक स्मैश का अटैक फिर से ये लोग भाई बराबर, रॉक स्मैश यार, पोकेमोन का अटैक अपने मतलब इस्तेमाल करें, जैसे इस बंदे की पिटाई करनी हो साइड वाले की, क्या जा भाई तोड़ दो इसकी हड्डी पत्नी, तब मजा आता है। अब तो कौन है भाई, कौन सा फायर टाइप लेके आई हो, अरे भाई
भाई बराबर के लिए आया, सारे उसकी वाट लगाने आ रहे हैं। बार बार ग्रास टाइप अगुन खिला रहे हैं भाई सारे। अब क्या करूँगा मैं तो, अब तो भाई बराबर आएगा थी तेरी तो, मैं तो मजाक में ले गया थी। पार्टी बदलनी पड़ेगी, आ जा भाई इसको मजा चखानी पड़ेगा। बहुत ग्रास टाइप लेके आवा ये पगुन। अब बोल ए बैग, अरे भाई के अटैक था, ये सही बैग था के बैग था, मैंने पढ़ा नहीं था इसे। कोई बात नहीं, फ्लेम थ्रो ठीक रहेगा, एक में जाएगा मैं साथ, पक्का गारंटी है जाएगा ही। अब आया मजा हमसे पंगा, समझ जाओ अगली बार अगला कौन है। चलो 39 है, बच गया गया ये भी, कोई बात नहीं फिर भी ठीक है। चलो ये कौन सी गुफा आ गई, गुफा में जाना है क्या मेरे को, कहीं और बाहर देख लेता हूँ एक बार। साइड वाले बंदे भी तो हैं, इनको भी तो रहा ना, इधर भी कुछ मिलता होगा, दिख तो रहा है, पोकेबॉल होगा। चलो ये गुफा गुफा किस चीज़ की आ रही है भाई, ये क्या है, मिराकल सीट लग रहा है। चलो मिराकल सीट ही है, पहचान होगी मैं तेरे पूरी मिराकल सीट की, क्या था भाई। इसको देखते हैं अब, ओहो इसके पास कौन सा पोकेमॉन, हिटमॉनचान लगता है भाई, बराबर अपनी एक्सपी फुल कर नहीं पाएगा। बेचारे के सामने तगड़े तगड़े पोकेमॉन आ रहे हैं आज। अरे भाई कोई फायर टाइप आ जाओ, इलेक्ट्रिक टाइप आ जाओ, ग्रास टाइप फाइटिंग टाइप यही आ रहे हैं सारे, अब कोई ज़्यादा सा नहीं करेगा। शाबाश शाबाश मेरे भाई बराबर, आज तो जीत के ही जाएंगे, ऐसे ही जीतेंगे चाहे कोई गार्ड, क्या बात कोई। अरे यार ये मिस करने को टाइम है, ये तो खटांग हो रोक टाइप अपने काम के नहीं है, एक बार ये बॉल हो जाए बस ये। अब क्यों भाई बराबर का पता नहीं है बॉल को होता है, कभी करा नहीं इन्होंने। तो 34 रन पे आ गए, स्क्रैच अटैक, क्या अटैक आया मान गया भाई, इतना खतरनाक अटैक, स्क्रैच अटैक नहीं चाहिए हमें। हिटमॉन टॉप, मेटैंक को भेजते हैं, मेटैंक की बारी आ जाएगी, बारी बारी से जाना पड़ता है, सही रहेगा। तो आ गया है मेटैंक, मेटैंक भी खतरनाक है देखने। हिटमॉन टॉप देन हेडबट करेंगे, क्लियर बॉडी ठीक है ठीक है, देन हेडबट, एक में नहीं जा रहा यार कोई, काउंटर अटैक ये खतरनाक है। अरे भाई अरे भाई अरे भाई, ओहो नो 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 नो, खेल खत्म कर दिया ने तो। भाई बराबर की बारी फिर से, चलो आज भाई बराबर तो बन जाएगा, मेरे को लगा नहीं काउंटर कर, खतरनाक था काउंटर, एक में गया। साइकिल अटैक करना चाहिए था मेरे को, क्या गड़बड़ हो गई। हिटमॉनली इसके पैर पैरों में था मैंने इसके, इसका एक अटैक खतरनाक निकलेगा, हाई जंप किक, फोकस एनर्जी ज़्यादा काम नहीं आएगा, दो अटैक में जाएगा ये शायद, दो अटैक में हारना तो चाहिए इसको। तो एक गया नहीं अब तक, अब क्या फिर से करना पड़ेगा। ओहो अरे बस बच गया बच गया बच गया, चलो गया 35 लेवल पे आ गया। ये हुई ना बात, ड्रैगन ब्रेथ, अब आया कोई अटैक सही, ड्रैगन टाइप अटैक आने चाहिए, ड्रैगन टाइप पोकेमॉन तो है, ये बोलो गया अब 35 पे बोल हो जाए भाई, नहीं हुआ देखना पड़ेगा। अरे गुफा में कौन सी में जाना है मेरे को तो ये नहीं पता चला, इस वाले में चलते हैं पहले, क्या है गुफा के अंदर, पहले लगा लेते हैं रिपल, फायदे में रहेंगे। किधर गई मैक्स रिपल, 6 ही बाकी है, कोई बात नहीं। हाँ गए, अरे ये कहाँ पहुँच रहे हैं, जगह याद नहीं आ रही इन कौन सी है,
चल भाई फटाफट फटाफट, ऊपर बोलने वाले लगता है। एक और पत्थर, कितने पत्थर है भैया? दो स्मैश भाई, ब्रावा भाई ब्रावा, आंखें बहुत बढ़िया यार। अरे कहाँ पहुँचने वाले हैं यही समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये तो ऊपर आ गए, आइस मैंने एंटे को देखा अभी। हाँ इस बार ये मेरी बारी है, मेरा टाइम आ गया है। नीचे जीना, चलो हॉकी बॉल भी है ना, लेते हैं, चलो हॉकी बॉल लेना पड़ेगा। दिमाग लगा के खोलना पड़ेगा ये तो। एक टूट गया, इसको खोलते हैं अब। स्टंट तय करेंगे फिर से, ग्रो भाई गया 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 गया, इसको करेंगे स्मैश, हो गया क्या? अब कहाँ जाएगा? इसको एक ऊपर करेंगे, उसको पीछे करेंगे, चलो निकल गया तो सही है। क्या मिला भाई? फायर स्टोन लग रहा है तो, या थंडर स्टोन, फायर है। वैसे जो तो नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, मिला तो मिला, क्या करे भाई। वहाँ भी पग बोल है, चलो ले लेते हैं। क्या है तुम्हें? चार को लग रहा है तो, चार को लिए मैं तो सारे याद हो गया भाई, तगड़े तगड़े पता चल जाओ देखते क्या है भैया। ट्रिपल ऑफ नहीं चाहिए, ट्रिपल काफ़ी है, कोई बात नहीं बन कर दे भाई। चलिए तो फिर से करना पड़ेगा, पहले कौन सा करूँ देखते हैं, पहले इसको हटाते हैं, पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें तो। ग्रोवाइल दिमाग लगाओ, कोई बात नहीं दिमाग मैं लगाता हूँ, ताकत तू लगा। इसको इधर मारेंगे, इसको इधर मारेंगे, इसको इधर, इसको इधर, इधर इधर। हाँ जी बोलिए, गो टू द टॉप माउंट मून, क्वेस्ट कंप्लीट। ठीक है अपना एक क्वेस्ट पूरा हो गया, फाइनली एंड है। आइजन क्या कर रहा है भाई है? मैंने इसे यहाँ पकड़ लिया अभी, क्या कर लिया भाई? हाँ आगे बोल, के बोल तो ले भाई, बिंदी कहाँ से मार रहा है। ये क्या माल, मैं तुम्हें यहाँ ले आया जैसा मैं चाहता था, ये क्या मतलब भाई? मैं तुम्हें यहाँ ले आया जैसा मैं चाहता था, ये सब मेरा प्लान का हिस्सा था, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता क्या? अरे टीम रॉकेट है तो, पेट्रोल आस्क, टीम रॉकेट का बंदा है यो, और वो डिटो है तेरे तो, सारे ने पकड़ लिया मैं तो, यो क्या चक्कर भाई है? इतने सारे टीम रॉकेट, इनसे तो हरा भी नहीं सकता मैं। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 बंदे आ रहे हैं, 20 हैं, 20 टीम रॉकेट फाइनली। ये क्या भाई, इन्होंने इतने लीडरशिप दिखाई है भाई, ये ऐसे पकड़ लिया इसने हमको। अब यहाँ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सेंडर कर दो जल्दी से, तुम्हारे लिए जितना इम्पॉसिबल है मैं भी मान गया भाई। जवानी बहुत कुछ होने वाला है, वो तो होएगा ही, ले लो भाई हमें टेक गेम। अब पता नहीं क्या करेंगे ये, अब क्या है ये भाई, ये तो कुछ अजीब था बिल्कुल। चैप्टर 2 एस्केप, द एस्केप, कहाँ से निकलना है, जेल में पकड़ रखा हुआ है। ये टीम रॉकेट का बेसमेंट हो गया वैसे तो, एस्केप टीम रॉकेट HQ। ठीक है वाट लगी यहाँ तो, खुला है क्या दरवाजा? दरवाजा तो खुला होगा नहीं, मेरे को पता है वैसे भी। थिंक यूज इट, नथिंग हैपन, टॉयलेट यूज करना पड़ेगा। अरे भाई टॉयलेट भी इस्तेमाल हो रहा है मेरा पूरा। अरे वो भी उठ गया, हाँ आइजन है ना, हाँ इस संबंध यार क्या बोलूँ, पहला बोलते हैं, यू वर कैप्चर टू आस्क आई, मैं अपने घर पे था सेलेडोन सिटी में, और ये लोग आके मुझे पकड़ के ले गए। सर क्यों तो सीरियल में नहीं था, क्या था ये टीम रॉकेट का पैटर्न खतरनाक है भाई, तो बहुत टाइम पहले यहाँ क्या है
इसके पोकेमोन के आइटम सब ले लिए लगे, ये तो बस पेट्रोल। तो ये तो फंस गया भाई, अपोलोजाइज। अब क्या अपोलोजाइज, पकड़ तो लिया है। तो प्रोफेसर ओक ने जैसा बताया था ब्लेन और फूजी को, इन्होंने वो मतलब गायब हो गए थे। तो अभी ये कोई टाइम नहीं, हमें हम यहाँ पर हैं, और मुझे इनमें से कोई भी नहीं दिखा फिर भी इन दोनों में से। तो इट्स यू ऑल द टास्क, चलो कुछ क्लू ढूंढते हैं यार। क्लू कहाँ ढूंढो भाई, मैं सो ही जाता हूँ अभी, रिफ्रेश। यो क्या भाई, टाटा टाइस योग्य है। ए टाटा, आई हैव टू टेल आइजन हाउ टू गेट अटेंशन। ठीक है ठीक है, क्या प्लान है भाई साहब बताइए। टॉयलेट फ्लश करके बताना पड़ता है क्या, है जैम हो गई मशीन में। हाँ अब समझ में आया, ये फ्लश करके बता रहा है। क्या तुम्हें कुछ मिला ए टाटा? हाँ राइट, हम इसे पकड़ सकते हैं और ये हमारे काम आएगा, और ये बहुत छोटा भी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली दरवाजे से आर पार जाने के लिए। ठीक है तो हम अपना प्लान शुरू करते हैं। पहले हमें रटेटा पकड़ना है, किस कोई आइडिया लगाओ। सिंक में है क्या, द सिंक इज हाइडिंग है पोकेबॉल, देखते हैं। आई डोंट थिंक सो, फिर वी मस्ट हैव सम। तो मैंने गलत चुन दिया क्या कुछ, इससे सोना पड़ेगा यो के चक्कर में भाई। सो के नींद, नए आइडिया आ रहे हैं। अब ये भी खत्म हो गया, क्या करूँगा। चलिए तो अपने पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ ले लिया। टॉयलेट फ्लश करना पड़ेगा फिर से, वो भी जाए मैं अब क्या करूँ। तेरी तो वाट लगा दी इन्होंने, ये भी जाए मैं। इट सीम वॉन्ट कम वाटर थ्रो द टॉप, ठीक है लगता है मैंने कुछ गलत चुन दिया, फिर से सो के देखना पड़ेगा एक बार, फिर से रिफ्रेश। इसमें तो पानी नहीं आ रहा बाथरूम में, अरे क्या चक्कर है वो, ये फ्लैश भी नहीं हो रहा। गार्ड के पास पोकेबॉल है, ये रहा मिल गया पोकेबॉल। ठीक है पोकेबॉल मिल गया, ये करूँगा देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा पोकेबॉल। चलो भाई ये तो मस्त तरीका है भाई, एक नंबर कमाल की बात है ये तो। आ जा भाई, ये आया एक आराम से आ गया, क्या बात है भाई। यहाँ एक पीसी होगा जरूर, फैंटास्टिक। तो मेरे पीसी में पोकेमोन है तो हाँ, आई सी स्नोलैग एलेप्रस टायरोग एबी सेल्वी, अपने पोकेमोन। हाँ वेट सेल्वी, वी कैन यूज द सेल्वी टू गो बैक इन टाइम इफ थ्योरी। अरे भाई ये भी कमाल है, हम पांच आइलैंड पर टीम रॉकेट के वार हाउस में जा सकते हैं तो ठीक है, जो उनका प्रॉपर एच यू है समझ गए। पहले यहाँ से निकाल दो भाई, ठीक है तो अब क्या करूँ। हाँ जी, तो यो भी अब मैं रेटेटा का कंट्रोल कर रहा हूँ, ये हुई ना बात, ये तो कुछ अलग ही है भाई गेम में। अरे भाई कितना आइटम, रटेटा भी चलाने लग रहा है पीसी। चल भी लो, कमाल ही कमाल हो रहे हैं तो भाई,
ये तो कुछ ही नया नया ही है। ये तो ये ले गया वैशाल भी अपने टाइम में पीछे, कमाल कर दिया वैशाल भी ने तो बचा लिया। ये कहाँ पे आ गए हम? हाँ जी हाँ, अब मुझे लगता है बस ट्रैवलिंग से हम थोड़ा डिजी हो जाएंगे क्या भैया, मतलब कंफ्यूज हो जाता लगता है सैलरी थोड़ा टाइम ट्रैवल करिए या कमज़ोर हो जाता है। तो मैंने लगता है कि हम पीछे आ चुके हैं, चलो बाहर जाके देखते हैं, हमें कुछ अपने आइटम और पकवान की जरूरत भी पड़ेगी। बाहर आ गए तो अपने पास पकवान तो आएंगे, क्या सकता है भैया पकवान भी नहीं है अपने पास तो। देर यहाँ पे एंट्रेंस है और उसकी वेयर हाउस की, ठीक है बटास क्या वेट, वहाँ नीचे कुछ है लुक, टीम रॉकेट वाले हैं, रेड है रेड 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 है भाई, ये तो पक्का रेड है। चारे दार रेड तेरी तो क्या लड़ाई है, तो मजा आ गया देख के भाई। चारे दार रेड टिकट को फ्लेम थोड़े मारे भाई, फ्लेम थोड़े और हाँ रेड टिकट थोड़ी आ रहा चारे दार। अगला बोगन आर बो तेरी तो एक में ये है भाई असली चारे दर्द खतरनाक। अगला कौन है? बस ओहो यो तो गया भाई, बैंड बजाएगा क्योंकि हमें भी अंदर चलना चाहिए। डिड यू सी हमने देखा, हाँ क्या कमाल की लड़ाई थी, बहुत कमाल की भाई। हम 3 साल पीछे आ गए हैं, तेरी तो इतने पीछे कैसे आ गए? मैंने जो टेकवे आइलैंड के बारे में सुना था, जेड ने पहले टेकवे आइलैंड में सारे टीम विकेट को हरा दिया था, समझ गए। पर इतना काफ़ी है, चलो यहाँ पे एंट्रेंस भी खुली पड़ी है, हम ढूंढ सकते हैं क्या, हम लकी हैं क्या, लकी हैं भाई हम अब तो सारे मतलब टीम विकेट के बंदे हार ही चुके होंगे, तो अपने को टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे आ गए दादा, तो क्या करना है जी? टीम लोगों ने कुछ प्रिजनर को भी पकड़ रखा होगा, पकवान भी होंगे उनके पास, आइटम भी होंगे रूम के अंदर, और तो हमें क्या करना है फिर, तो हमको स्टोरेज रूम जाकर चेक करना है, ठीक है। और वेयर हाउस एंट्रेंस पर हमको सेलेबी को खड़ा करना है क्या? ये भी अलग सिस्टम, आप तो कुछ नया नया बता रहा है भाई। वो कुछ नहीं है भाई, तो मेरे को क्या करना है? ये भी भाई खतरनाक होता जा रहा है, क्या करना पड़ेगा, पोकेमोन भी नहीं अपने पास तो। ओह क्या स्टंट मारा भाई, मान गया। बड़ी आसानी से आ गया अपने तो, डोंट टू फॉरगेट टीम रॉकेट आउटफिट। कहाँ से लाऊं? स्टोर रूम में जाना ही है क्या? देखना पड़ेगा टीम रॉकेट की आउटफिट भी कहाँ मिलेगी। अब चल ही ले भाई आए तो, ठीक है देख के आते हैं आउटफिट। स्टोर रूम साइड में है क्या? लग तो नहीं रहा स्टोर रूम यार, कहाँ मिलेगा शोरूम स्टोरूम? फिर से फंस गया, मैं आ गया यहाँ गलत रास्ता पकड़ लिया। अरे भाई ये घुमा दिया ने तो, कड़ा है चलो सही रास्ता देखना पड़ेगा था, यही पकड़ूंगा जो पकड़ लिया पकड़ा था, सही तो होगा। हाँ सही लग रहा है, टीम लॉकेट का ऑप्शन लेने किससे अपने को, ऊपर जा नहीं सकते क्या? बाहर जाए तो कैसा रहेगा? डोर वॉश शट आफ्टर रेड एंटर्स, तो अरे यार ये टीम लॉकेट लूटना ही पड़ेगा, चलो चलें।
बहुत लंबा जाने वाला है। आ रहा हूँ मैं बस टीम पकड़ने। किधर से जाना पड़ेगा, अपने समझ नहीं आ रहा मेरे को, जाना ऊपर यार। इधर रास्ता पकड़ लूँगा तो कहाँ जाएंगे, कुछ काम तो बना नहीं है अभी। इधर से आते हैं, फिर से यहाँ क्या घूम घूम के यार, घुमा घुमा के मारेगा तो। कंफ्यूजन कंफ्यूजन है भाई पूरी पूरी। ऊपर से रास्ता मिलेगा दिख रहा है मेरे को। टीम लोग के आउटफिट होगी किस पर, टीम लोग के कपड़े दिख तो नहीं रहे यार कहीं। कमरे में कोई क्लू भी नहीं मिल रहा, यहाँ भी नहीं है। यहाँ से निकलूँगा तो सीधा नीचे ही जाऊँगा। बस बस अरे फिर से वहीं आ गया घूम फिर के। अरे ये भाई ये तो खतरनाक होता जा रहा है, फटाफट चलो यार बहुत धीरे कर दिया। घूम घूम के क्यों जा रहा है भाई, क्या हो गया, ऐसे कोई जाता घूम घूम के डरा दिया भाई मैं, अच्छा क्या हो गया थी। ए अंकल जी कुछ ही नहीं बहराती हुई। अरे भाई मेरे को तो रास्ता नहीं पा रहा था, ना दिखने लग रहा था। रुक जा भाई रुक जा रुक जा रुक जा, रुकने को लग रहा है क्या चक्कर है यो, सामने जगह है वैसे रुकने की, ऊपर चलते हैं ये ठीक है रास्ता। अब देखना पड़ेगा सही से रास्ता, तो यहाँ से जाएंगे तो नीचे जाएंगे, इधर से जाएंगे तो अपने को जाना ऊपर, इधर जाना जहाँ आइए आप दिखने लग रहा है। पहले अच्छी जगह देख लेता हूँ एक बार, इधर से जाएंगे उधर से जाएंगे घूम फिर के आएंगे, देख तो नहीं रहा फिर भी कहीं से जाएंगे। ये रास्ता करना पड़ेगा, सही आएगा। चलो मेरे को लग रहा है थोड़ा काम सही जगह आ गए, बस सही से चलो सही से बिल्कुल सही से। वहाँ पे रेड है ना, आउटफिट मिल गई, लो भाई सही है मिल गया आउटफिट, यू ही ना बात। कपड़े उतार लेते आप, क्या करूँ चलो चले। हाँ जी मिल गई, तुम लगता है तुम्हें पहले मिल गए अपने कपड़े, चलो मुझे तो मिल ही गए। ये लो भाई मस्त लग रहा है दोनों दोनों टीम रॉकेट में, इससे मेरे बाल अनकंफर्टेबल हो गए हैं। कोई बात नहीं भाई, बाल तो बाल बना बाल बना लियो, पहले जान तो बना। चल भी तो अब क्या करना है, अरे हाँ वापस गए हम, उधर ही जाएंगे अब जेल में, फिर भागने का टाइम मिलेगा सही से। कमाल कर दिया भाई, दिमाग ही दिमाग है, मान गए। आयतन क्या तुम्हें नहीं लगता हम टाइम का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रैवलिंग में, बिल्कुल सही है भाई। क्या हम दोबारा ट्रैवल कर सकते हैं, दिस इज द प्लेस, ये जगह बहुत बड़ी है और ये कोई अपग्रेडेड वेयर हाउस लग रहा है इनके बड़े अच्छे हुआ तो तुम्हें नहीं लगता कुछ यहाँ गड़बड़ है। अनफॉर्चुनेटली किसी ने नोटिस नहीं किया कि हम भाग चुके हैं, वो लगता है उनके गार्ड सो रहे हैं अभी भी, अपनी किस्मत अच्छी है समझ गए। तो देखो अब क्या, कोई एक्सक्यूजिड प्रोटोन इज टॉल्किंग साइंटिस्ट अपर लेवल, हाँ वो ऊपर जो खड़ा हरे बाल वाला साइंटिस्ट से बात कर रहा है। तो क्या करना है, उसके पास नहीं जाना हमें, ठीक है वो हमें पकड़ लेगा, उसको अपनी शक्ल याद है शायद। फिर हमें जाना है स्टोरेज रूम में, वेयर द स्टोरेज रूम, ठीक चलो ढूंढे। मैं जेल में आ गया अभी, यहाँ पे पीसी रहा, पीसी सही था यार, ना तो बाहर निकलने रास्ता है।
एक रास्ते भी ये नहीं जान दे रहा, एक यहाँ नहीं जान दे रहे। सॉरी आपको यहाँ नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है तेरी भी मर्जी। इधर ही रास्ता बाकी है अब तो, बस बेटर नो गो अपस्टेयर। तो अब कड़े जाऊँ भाई, और क्या बच गया अब जाने के लिए। यू नीड ए कार्ड की, कार्ड की कहाँ से ढूंढूं, ये भी खतरनाक काम है। यू नीड ए टीम रॉकेट की आईडी, टीम रॉकेट की आईडी किससे छीननी पड़ेगी भाई। जूते की आवाज़ मस्त आ रही भाई मस्त है यार। अफकोर्स तो व्हाई डिड यू जॉइन टीम रॉकेट, फॉर मनी अफकोर्स बस यही काम था। नीचे ही मिलेगा यार कुछ, ऊपर तो मिला नहीं। वो क्या है, व्हाट्सअप टुडे, एनीथिंग नया, एनीथिंग क्या नया हम भाग चुके हैं, इन्हें इधर ही घूमने लग रहे हैं, इनको पता भी नहीं चला कुछ है क्या यहाँ भी। सो रहा है, किससे लूँगा मैं कुछ, इनके पास से कुछ मिले यार, कुछ मिलने का भी चांस नहीं बन रहा यार। टीम रॉकेट प्रिजन, ठीक है तो क्या करना यार, आईडी को नहीं मिलने दिया, बहुत काम खराब हो गया यहाँ तो। तू भी ढूंढ ले भाई, हम दिख कह रहा है, दिस इज रूम बट वी नीड ए कार्ड की, ओपन इट। Why don't you search for one in lower level? तो वहाँ बात करा, उधर जाऊँ क्या, उधर ही जाके देखते हैं। Better not go upstairs. Better not go. अरे तू हटा कौन गया, मैं तो जान दे नीचे, कौन जान दे रहा अभी। हाँ इससे बात करते हैं, देख एक खाली बंदा खड़ा है यहाँ। अरे भाई कोई मदद क्यों नहीं कर रहा यहाँ तो, खतरनाक होते जा रहे हैं। अपने वहीं चोरी करके देखते हैं बस। फूड प्लेट टीम रॉकेट के बंदे पकड़ रखे हैं इन्होंने, कमाल है। प्लीज डू नॉट टेल एनीवन अबाउट दिस, किसी को इसके बारे में बताना ना, ठीक है। ये हमारा टीम रॉकेट मेंबर है पर इसने हमें धोखा दिया है, मेरा दोस्त है इसलिए मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, मैं इसे बुरा व्यवहार नहीं कर सकता, समझ गया भाई। इसलिए मैं वो क्या करूँगा भाई, ये कोई नई लैब बना रहे हैं जो किसी फेमस लोगों के लिए, तो ये न्यू कार्ड की ये लो भाई, शाबाश शाबाश, मान गया तू टीम रॉकेट का बंदा है, प्रॉमिस है भाई, हम किसी को नहीं बताएंगे, हमारा प्रॉमिस तो तू याद रखेगा जिंदगी भर, कोई चाहे कितने बार हरा दे फिर भी नहीं बताएंगे। अरे भाई उठ गया, जो मैं कितनी देर से सो रहा था और इतनी नींद क्यों आ रही है मुझे, क्या बात। अरे ये कह दे किधर गए भाई, यहाँ दोनों ही गायब हैं, तो मुझे सबको बताना पड़ेगा जल्दी से, ये भी ना बात। चलो भाई अब तो बस, अब होने वाला सब कुछ, लॉकडाउन मोड, लॉकडाउन लग गया यहाँ भी। अरे भाई अपने शहर में तो लग ही रहा है, यहाँ भी लगा दो तुम लॉकडाउन, कमाल है भाई, लॉकडाउन के पीछे सारा काम खराब करेंगे। लग गया क्या लॉकडाउन, अपने को जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। हे डोंट यू थिंक, तुम कहाँ से हो, मुझे तुम कुछ अजीब लग रहे हो। आई देन डू यू हैव कार्ड की ऑलरेडी, बिकॉज तो हमें चाहिए, चलो जल्दी से मुझे मिल गई। फिर से यार, फिर से नहीं, डोर अनलॉक हो गया, चलो भागे। अरे इतने टीम रॉकेट मेंबर कहाँ से आ रहे हैं, दरवाजा बंद करो भाई जल्दी से, कर दिया भाई बंद कर दिया, हम इन्हें ज़्यादा देर नहीं रोक पाएंगे, तो क्या करें, तो
तो यहाँ पे कंप्यूटर है, ठीक है, और वहाँ पे सब कुछ स्टोर भी है। आई डोंट नो, वो आ चुके हैं, तो जल्दी से कुछ देखो उन्हें रोकने के लिए। देखते हैं भाई, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। रहते तेरे तो गया अपना रहता, मान गया था रहता तो खतरनाक है भी, तीन बंदों से लड़ रहा है अकेले। इवॉल्व भी होगा ये, तेरी तो ये हुई ना बात। रहता इवॉल्व इन टू रेटिकेट, ये हमसे इतना प्यार करता है, मुझे पता नहीं था यार। इवॉल्व भी हो गया, मान ले हरा दिया, ले दो थी हरा, तीनों थी हरा दिया इतने के लिए। आई धन मुझे मिल गए, तो ये लो तुम्हारे पोकेमोन टाइम। अब आ जाओ भाई, अब बताता हूँ, बहुत दिमाग खराब कर दिया टीवी लोग। चलो आखिरकार यहाँ से बाहर निकले, आज देखो जरूर क्या देखे भाई। हिप्नो कम आउट, ये हुई ना बात, सारे के सारे हो गए खराटे। देख ड्रीम मीटर है क्या, ड्रीम मीटर खतरनाक अटैक है भाई। इलेक्ट्रोड एंड गैंगा, इट्स योर टर्न नाउ आई धन, द फाइनल ब्लो हाइपर बीम। तेरी तो क्या खतरनाक अटैक दिखाया, मजा आ गया अभी देख के, तो मजा ही आ गया। क्या तेरी तो कहा था अपन भी आते कर पाते छह दीवारों में, मजा आता हाइपर बीम का। यो था भाई कुछ खतरनाक, मान गया ऐसी। तो तुम्हारे पास तुम्हारे पकवान है, तो क्या क्या तुम फ्लाई कर सकते हो? आई थे ए टोगे किस इज परफेक्ट, टोगे किस फिर से ले गया, वन इंग्लैंड पे आ गए, दैट विल क्रॉस। पर हम यहाँ से आखिरी कार निकली गए, तो ठीक है, अपने कपड़े भी मिल गए अपने को, समझ गए, कमाल हो गया देखा जाए तो, ये मज़ा भी आया था देखा जाए तो। तो किसको ढूंढना है, ट्रेनर को ढूंढना शायद, ए ट्रेनर दैट वाज जो साफ दिल का हो, वो बहुत ताकतवर होता है और वो किसी को भी कैरी कर सकता है, तो मतलब क्या है। हाँ जी लेजेंडरी पग में गया तो तू क्या करेगा भाई, ठीक है भाई राइट को एंटे उनको भी देखेंगे, समझ गए, ठीक है ठीक है ठीक है। और कुछ टेलाइड्रोन में जा रहे हो, जाइए, आपका वैसे कोई काम भी नहीं है, ठीक है वर्मिलियन जा भाई। अरे भाई हैव नो फियर मिस्ट्री मैन, लोकर लूकर है इसका नाम, क्या हुआ लूकर, वो आर यू माई कोड नेम इज लूकर, आई एम ए ग्लोब ट्रोटिंग एलिट ऑफ द इंटरनेशनल पुलिस, समझ गए, मैं आज का पार्टनर हूँ, ऐसे कहते भाई रियली सच में उनका कुछ हुई। तो क्या तुम्हारे पास टिकट है भैया, जब जा रहे हैं तो अब क्या करें, पांच आइलैंड पे एक ट्रेनर है, पोकेमॉन प्रिजन, टाइम ट्रेवल, ठीक है समझ गए, एस्केप, एक्सप्लोजन, वेरी वेल, मैग्निफिशेंस, इसको सारी कहानी बताइए जो अभी अभी हुआ है, सुपर, ये भी बोल रहा मान गया इस ऊपर, तो केयरफुल रहना ठीक है समझ गया। ये वो डीएनए एक मिथिकल पोकेमॉन का था जिसका नाम है म्यू, जो वहाँ वो गुफा में ढूंढ रहे थे, मुझे लगता है कि उनको डीएनए मिल भी चुका है, तो अब क्या करना है, तो वो और भी आइलैंड को इंस्पेक्ट करने जा रहा है आज। और क्या है, लकी फॉर यू आई हैव अनदर टू यू कीप इट, ये क्या भी ट्रियो पास, मतलब अपन दूसरे आइलैंड पे भी जा सकते हैं, अपना भाई इस आइलैंड पे काम खत्म हो गया बिल्कुल, एक काम रह रहा है वो भी करके आते हैं। तो अब क्या है, ओल्ड फोर्स एंड न्यू फ्रेंड्स चैप्टर 3, पहले अपना एक काम करना रहेगा, एस्केप टीम लोकेट एच क्यू हो गया, क्वेस्ट कंप्लीट, सही है भाई बिल्कुल सही है। अब अपने को दूसरे आइलैंड पे जाना, शायद एक काम रह रहा है अपना, वो करके आते हैं एक बार,
वो काम हो जाएगा तभी निकलते हैं यहाँ से। तो अपने इस्तेमाल करते हैं रिपल, मैक्स रिपल। तो ये आ गए हैं मैक्स रिपल पे, चलो चलें। अपने वो फ्लैनरी को हराना है अभी यहाँ से। चलो भाई साइकिल कहाँ से निकलेगी, चलो चलें। अब आएगा मज़ा, फ्याँ 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 फ्याँ, साइकिल के मस्त है। फ्लैनरी को बताना पड़ेगा किस में कितना था मैं, तो किस कौन सा पोकेमॉन चुने अपने। अब उसके पास है फायर टाइप, उसके पास तो अपन ग्राउंड टाइप चुन सकते हैं। सही है, अपन चुनेंगे भाई ब्रावो को। तो ठीक है, अब इससे बात करें, तुम अच्छे ट्रेनर लग रहे हो पर तुम इतनी ताकतवर नहीं लग रहे। अगर तुम मुझे चैलेंज करना है तो माउंट वाउंट पर जाना पड़ेगा और तब मुझसे बैटल कर पाओ। यू क्या है भाई, प्रूफ करने का तरीका क्या है भाई, हमने कुछ लिया तो था, देखना पड़ेगा क्या था भाई, कहाँ मिलेगा वो अपने को, क्या था अपने ने जियो पास सुपर रोड। अरे भाई कुछ तो लिया था अपने ने, क्या था वो, एक मिनट देखता हूँ क्या था। तो लगता है उसे हम पे भरोसा हुआ नहीं है, लगता है हमको डर गया हमारा, हमको दोबारा जाना पड़ेगा उसके ऊपर ही। एंटे भी था ना शायद, क्या था वो, देख के आता हूँ, फिर से जाना पड़ेगा इतनी दूर यार, कमाल है, क्या करे, करना पड़ता है। मैं आ रहा हूँ, चाहे कितनी दूरी आना पड़े, चलो चलें चलो चलें, फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। अंकल जी बीच में मत आइए मेरे रास्ते में, बहुत जल्दी है अभी मेरे को, इसको हरा के जाएंगे आज, बहुत बोल रही है। कोई बात नहीं, इसको हरा के वैसे अपने अपना लेवल बढ़िया बढ़ जाएगा वैसे देखा जाए तो। वाई पर आवा एक भी कमज़ोर है यार, कोई वो भी तो कराना ना, 35 लेवल पे आ चुका वैसे, सही है वैसे, ये बोल का तो पता नहीं कब होएगा। तो चलो भाई टन तक सही है, हो गया, चलो आगे बढ़े फटाफट, ठम 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 ठम, चलो चले। कौन सी गुफा थी ये लेफ्ट वाली गुफा में जानता अपने को, ऊपर जाना था सबसे, लोग समाज अटैक करेंगे फिर से। चलो चले, अच्छा रास्ता जो याद हो गया अपने को, अभी आ रहे हैं बस पहुंच ही गए हम आज, अभी तो बहुत तेज भागने लगे एकदम से, क्या चक्कर रहते हैं। लगा अपने मूड के था भागे, बस पहुंच गए क्या, कितना लंबा रास्ता है, लोग समझ अटैक, ये अटैक ना हो तो अपनी वाट लग जाएगी क्योंकि अपन कहीं जा ही नहीं पाएंगे। भाई ब्रावा चलो चलें, आ गए हैं इतने ऊपर, चलो आ गए आ गए आ गए, कितने ऊपर है भाई, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, पहले ये वाला ऊपर गिरेंगे, ये वाला जाएगा मेरे हिसाब से, लग तो ये रहा है। चलो ट्राई करने में क्या, ट्राई नहीं करना, बहुत दूर तक तो जाना पड़ेगा वापस करने के लिए। रिपल ख़त्म, कोई नहीं चाहिए रिपल रुपल, अब इसको लगाओ, इसको यहाँ लगाओ। हाँ वो क्या सामने भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या था ये क्या भाई, एंटेस फुटप्रिंट, एंटे के पैर का निशान है, यो भी था गए, इतना काफ़ी है फ्लैनिनोकिन कराने के लिए कि हम यहाँ चढ़े हैं। सही है, आ गया, अब जाके हराएंगे उसको, ऊपर जाना मुश्किल है, नीचे जाना तो आसान ही होगा, सीधा नीचे जाएंगे अब तो, टिकट पड़ गए बस पहुँच गए नीचे, मैं नीचे जाने में कोई दिक्कत ही नहीं हुई, इसको तोड़ो भाई, हरा के ही आएंगे उसको तगड़े वाला। तो हार गया, पत्थर भी हमारे सामने टेक नहीं सकता है, तो ये ट्रेनर क्या चीज़ है, जिम लीडर है, खतरनाक पोकेमॉन होंगे इसको, होएगी तो फुल खतरनाक, वो इतना तो है उसके पास होंगे, मेरे को पता है शायद कौन से, एक तो उसके पास होएगा टोरकोल, टोरकोल उसका पहला पोकेमॉन है वैसे देखा जाए तो, और खतरनाक पोकेमॉन भी उसका टोरकोल। भाई बराबर अभी अंदर जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है लड़के, पहुँच गए क्या, अरे भाई रिपल क्या टाली है, पीछे ही पड़ गए, थोड़ी दूर जाना भाई साहब, जाने दो, थोड़ी
थोड़ी दूर जाना भाई था, जाने दो क्या यार, जाने नहीं दे रहे, तंग करके बैठे हैं। पहुंच गया, अरे भाई तो मान गया भाई, तुम्हारी बात मान गया, ठीक है समझ गया भाई, मैं समझ गया, समझ गया अच्छे से समझ गया कि हमको लगानी है रिपल। छोटी सी बात है, पहले बोल देते, इतने सारे पोकेमॉन आ जाए बिना रिपल के तो घूम ही नहीं सकते, इतनी दूर आने के लिए रिपल लगानी पड़ी थी, टाइम ख़राब कर दिया उन्होंने मेरा। अब निपटाते हैं इसको। आ गया मैं, आ गया मैं, आ गया आ गया, घूम फिर के आ गया जी। हाँ तो हम आ गए, तुम्हें अगर अच्छे टैन लग रहे हो तुम्हें मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम माउंट पे गए हो, अगर मुझसे बैटिंग करनी है तो ठीक है। ओ हो एंटेस फुटप्रिंट, हाँ मैंने सुना था एंटे उसके ऊपर रहता है जो वहीं पैदा हुआ है, वोल्केनो के होट वोल्केनो के ऊपर, तो मुझे यकीन है। तो डील डील, अब ये गर्म गर्म बैटल होने वाली है यहाँ पे। ये लड़की भी सही बोला मेरे, उठ तो ये आया मत फलेनरी, अब हो गया असली बैटल। थोर कॉल, मेरे को पता था थोर कॉल आएगा सबसे पहले, थोर कॉल में कितना दम, थोर कॉल थोर कॉल। अपने 35वें लेवल पे हैं, आपको है कैसा लगा, दो अटैक में जाएगा मेरे साथ, दो अटैक दिख तो नहीं रहे भाई, दो अटैक फायर ब्लास्ट मिस होगा, ये हुई ना बात फिर से। अरे भाई हाउंड डूम, इसमें क्या लगा भाई, ये भी फायर टाइप है ग्राउंड टाइप है, हमारे सामने कोई नहीं कर पाएगा, ये तो एक में गया। अरे यार ये जिम लीडर तो कमजोर निकली भाई। अगला कौन है, चलो ब्लेजिकन तेरी तो आतको एक, यो क्यों हो रहा है भाई, मेगा ब्लेजिकन तेरी तो, यो खतरनाक है भाई, दमदार दिखने में तो आता है भाई, अपना पोकेमॉन ब्रेव बर्ड है तो ये क्या है, खतरनाक गए 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 एक में गए, तेरी बात लगा दी इसने तो एक बार में। अब कौन सा पोकेमॉन लेके जाना है, ड्रैगन एग लेके जाएंगे, ड्रैगन एग ठीक रहेगा क्या, दोबारा सोच लें फायदे में रहूँगा, चार ही दार लेके जाऊँगा भाई क्योंकि फ्लाइंग टाइप अटैक कर रहा है, जितने ब्रेव बर्ड किया था ना फ्लाइंग टाइप था, ये तो फाइटिंग टाइप है, हम करेंगे एरियल अटैक, एरियल फाइटिंग टाइप अटैक किया था नहीं, फिर से वही मिस हो गया, सही है हमला, सही बिल्कुल सही, तो ये हुई ना बात, तो ये फाइटिंग टाइप है तो हम इसको देंगे ब्रिक ब्रेक तगड़े वाला फुल रिस्टोर, गलत बात है भाई ये तो, ये प्लेटर हो गया ऐसे करिए, इससे ज़्यादा असर नहीं हुआ, मेरे को लगता है अपने को इसको चारे दर्द को फ्लाई अटैक सिखा देना चाहिए था। एरियलेस फायर ब्लेड, ज़्यादा असर तो नहीं होगा, फायर टाइप ही है, इसको भी असर हुआ होगा, चलो हाँ दो अटैक में इसको हरा देंगे अपन। एरियलेस एक और एरियलेस और खेल कर हम सुपर बूस्ट, इसका बूस्ट बढ़ता ही जा रहा है भाई, इसकी एबिलिटी क्या है, ब्रेव बढ़िए खतरनाक, गए भाई गए, अपना चौली दाड़ भी गया ले ली, तेरी वार्ड लगा रही थी तो थोड़ी सी पावर भी बच गई थी। अरे यार फिर एलिगेटर, अपना चौली दाड़ इवॉल्व होगा तो मेगा वॉल्व होगा तो मजा आएगा, स्केल्ड अटैक फायर ब्लेड, ये ज़्यादा असर नहीं कर पाएगा, चलिए तो मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो सीरियस आ गया भाई, इतना असर कर गया ये तो, कितने पोकेमॉन बाकी इसके पास, खतरनाक है ये तो, 39,000 पे आ गए। अगला कौन है, टारगेट ही नहीं था, मिस हो गया, मैग मोटल भाई ये तो खतरनाक होने वाले हैं, तो कौन सा स्केल्ड अटैक, फिर से स्केल्ड अटैक पर इफेक्टिव, हमको पता है स्लोक स्लाइड ज़्यादा शानदार नहीं होगा, कितनी पावर गई, बच गए भाई 20% है अभी, मैग मोटल गया, अब कौन आएगा,
और कॉल, ये भी एक में जाएगा। ये क्या बच जाएगा? चलो ये भी क्या सुपर इफेक्टिव। अब हुई ना बात। अब इसके बाद तीन पोकेमोन हैं। यो तो भाई गए, समझो गए। अब तो ड्रैगनेयर को चुनते हैं यार, इसकी भी थोड़ी एक्सपी फुल हो जाएगी। ड्रैगनेयर के पास कौन सा अटैक है? मैगमोर्टल को हराने के लिए एक्सट्रीम स्पीड करेंगे, तो ज़्यादा से नहीं कर पाई। फिर भी डॉग स्लेयर अटैक कर दिया इसने भी, खतरनाक है भाई। और ये तेरी तो फिर से एक्सट्रीम स्पीड, ये तो हार गया। चलो ये हुई ना बात। अब आया मजा, 36 लेवल पे आ गए। अगला कौन है? मक्कार्गो। मक्कार तो तू है, हमको पता है। फिर एलिगेटर, अब तो भाई तू खतरनाक अटैक दूंगा मैं, सर्फ अटैक दूंगा। बहुत मजा ले लिया उन्होंने। फ्लैनरी 42 बोला फिर तो सर्फ अटैक, पहला अटैक अपना हो बस। एक में गया, ये गया एक में। सर्फ अटैक में अच्छे अच्छे डूब के मरे हैं, तू क्या चीज़ है? आखिरी पोकेमॉन कौन था? कैमर फट। ये क्या, इट्स नॉट ओवर विद माई स्किल इन एरियड फ्रॉम माई ग्रैंड फादर। मैं एलियट फॉर के मेम्बर थी, मैं हारने से रिफ्यूज करती हूँ। तो क्या भाई, हारने वाली तो तू है ही, कितना ही बोले। ऐसा कर उससे होने लग गया भाई, लड़ाई के बीच में आके अपनी कथा सुनाने लग गए। पता नहीं कह रहा है, मैं तो कुछ मैं तो दोबारा मेरे को वो इवॉल्व करेगी। चलो इस बैटल से मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। ओहो क्या बात, ये मेरी लाइफ में सबसे हॉटेस्ट फाइट थी। ठीक है, बैज है क्या? हीट बैज दे दिया तो ठीक है भाई। फायर टाइप अटैक मिला है, फायर ब्लास्ट दिया है, कौन सा दिया है? ओवर हीट, सही है भाई, अपनी चार्जर को सिखा देंगे। ये हुई ना बात, मान गए जी मान गए। ओ सुन लेते हैं इसकी बात ही, सुनते हैं। तुम्हें नहीं लगता है क्या तुम अगले दिन हम फिर से लड़ाई करें एक और बैटल? ठीक है भाई, अपना एक क्वेस्ट भी पूरा हो गया। चलो भाई अपने चले, अपने निकलना है बाहर। बहुत तंग कर दिया भाई, ज़्यादा फाइट कर लिया आज अपने ने, बहुत ज़्यादा सच में। तो ये अब आ गए हैं बाहर। तो गाइज अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज का एपिसोड तो वैसे बहुत ज़्यादा बढ़िया था, कुछ बहुत नए, जैसे कि अपन टाइम के पीछे गए, अपन ने फाइट करी, जैसे ये अपनी फाइट के बीच में आके अपना भाषण देने लगी, कमाल था आज। इस गेम में बहुत कुछ नया कुछ भी है, और अगला एपिसोड तो भाई और भी दमदार होने वाला है मेरे हिसाब से। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो को जल्दी जल्दी देख लेना क्योंकि आने वाला बहुत ज़्यादा मज़ा। Now is your time, so prove yourself and